प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वॉर्म वेलकाम टू स्वामी मुकुंदनंद संदीप जी आपका दरबार संपूर्ण विश्व में न्यारा है और ये जो युवक लोग यहां पधारते हैं इनको मैं नमन करता हूं किन्तु ये हैं बड़े नटखट हमारे चैनल में कमेंट छोड़ते चले गए कि आपको पधारना ही होगा तो हमने सोचा यहां भारत वर्ष के युवा वर्ग से मिलना हो जाएगा क्या बात है? मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा तो आप आईआईटी आईएम से पास आउट फिर इस बात पर आप कैसे आए मतलब उसके पीछे क्या रीजन था आठवीं कक्षा में जब था तो माइंड के पावर्स को बढ़ाने की दृष्टि से एक किताब पढ़ी तो उसमें तीन चार ध्यान मिल गए उनको मैं दस साल तक करता रहा अब आई आई टी आई एम में जो शिक्षा मिली उसका एक रस अलग था लेकिन अपने प्रश्न बने रहे कि मैं हूँ कौन मैं संसार में आया किस लिए ये संसार बना कैसे अब हमको साइंस में लॉज पढ़ाए जा रहे थे लेकिन लॉ मेकर कौन है उसका ज्ञान नहीं था तो जब एम शुरू किया भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और वहां से प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल गए और मन लगा तो ऐसा रस मिलने लगा जो संसार में कभी मिला ही नहीं था यदि संदीप जी की अनुमति हो तो इनको एक चुनौती दे दें हाँ हाँ प्लीज हमने सुना है कि संदीप जी के प्रेरणा से भारत का युवा वर्क इज ऑन द मूव एंड दे डों सेकेंड टू एनी वन इन वर्ल्ड राइट सो आप सब की सोच में गहराई कितनी है आप जो पूछना चाहे पूछें कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो मजा आ जाएगा गुरु जी मेरा एक प्रश्न है आप दोनों से ही है बेसिकली आ, जैसे हम कहते हैं शब्द है क्या शब्द में अपने आप में कोई शक्ति है देखिए इसके उत्तर कई लेवल पर होते हैं हम एक शब्द से अपने मन में कुछ एसोसिएट करते हैं किसी ने आपको भगवान का नाम सुनाया आपके मन में वो एसोसिएशन आ गया तो वो केवल शब्द वाली बात नहीं थी आपने उसका जो अर्थ निकाला वो एक बात और अगर हम गहराई में जाएंगे तो सब जो है भगवान की शक्ति है आप किसी भी चीज़ में दिव्य भाव बना सकते हैं भगवान के यहाँ कोई भाषावाद नहीं है प्राधान्य इसमें अपने भाव का है, अपने मन की शुद्धि का आप जो शब्द बोलते हो वो एक हेल्पर है एक सहायक है आप चाहे उसका उच्चारण करो और चाहे तो न करो कबीर जी ने लिखा है कि सुमिरन सुरत लगाए के मनते कछू न बोल बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल वो भी एक लेवल है वर्ड्स में जैसे स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वर्ड्स आर सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एंड दैट थिंग इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ अ फीलिंग तो अगर वो फीलिंग आपको अच्छा फील करा रही है तो यू आर एट ईज और अगर वो अच्छा फील नहीं करा रही है तो यू आर नॉट एट ईज जिसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं डिजीज डिस तो उस वे में अगर समझा जाए तो वर्ड में बहुत पावर है बट हां अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कोई वर्ड है जिसमें कुछ सुपर नेचुरल है कि अगर आप कुछ भी बोलते रहोगे तो कुछ हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है ये मिसकसेप्शंस है जैसा स्वामी जी ने भी कहा कि भगवान की अपनी कोई भाषा नहीं है भाव देखा जाता है कि आपका भाव क्या है किस भाव से आप बोल रहे हो नहीं भी बोल रहे हो बिना शब्द के भी अगर आपका भाव है तो काफी है उसके लिए किसी वर्ड की जरूरत नहीं है तो वर्ड्स आर जस्ट मीन्स टू एन एंड जिसको साइलेंस कहते हैं तो कई Very बार साइलेंस में जाने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है वेरी वेरी गुड कंप्लीट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यंग एज में स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं तो हम उससे लाइफ में एक्स्ट्रा क्या अचीव कर सकते हैं या लाइफ कैसे और आसान बना सकते हैं देखिए हमारा वेद कहता है कि आपको जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए दो विद्याएं सीखनी हैं एक मेटीरियल साइंस जिससे आप बाहर के संसार को समझोगे और उसकी शक्तियों का उपयोग करोगे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए और एक स्पिरिचुअल साइंस जिसके द्वारा आप अपने भीतर की मशीनरी को ठीक करोगे और दैवी गुणों को प्रकट करोगे तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं कि भैया बूढ़े हो गए तो हारे को हरी नाम स्पिरिचुअलिटी आपको अभी इस समय क्या लाभ देगा उसके चार भाग हैं पहला है सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स हु एम आई वॉट इज माई गोल इन लाइफ वॉट आर माई वैल्यूज स्पिरिचुअल नॉलेज से ये क्लियर हो जाएगा दूसरी बात यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स कि हम संसार से कटे हुए नहीं हैं सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं और वो यूनिवर्सल लॉज कौन से हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं तो यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स और तीसरा सेल्फ मास्टरी स्किल्स हमारा एक लोअर सेल्फ है जो कहता है आलस्य करो भोग करो और एक हायर सेल्फ है जो कहता है नहीं नहीं कुछ हासिल करना है कुछ उपलब्ध करना है तो लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ से कंट्रोल करना ये स्किल हमको स्पिरिचुअलिटी से आती है और चौथी है प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स इसका मतलब क्या हुआ जो आपका करियर है प्रोफेशन है उसका आप कैसे उपयोग करें कि लोगों के जीवन में एक डिफरेंस आए टू यूटिलाइज योर प्रोफेशनल एजुकेशन इन अ मीनिंगफुल मैनर ये सब लाभ हमको स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता जब तक आप खुद को नहीं जान लोगे अच्छे से तब तक, तक आप इस बात की गहराई को नहीं देख पाओगे जो अभी स्वामी जी ने कहा कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट जैसे ही यह बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है उसको आप बोल सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो सबके फायदे के बारे में सोचते हो इन अदर वर्ड्स ग्रोथ विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज मीनिंगलेस इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ़ ऑल काइंड, बट अगर उसकी जो फाउंडेशन है वो स्पिरिचुअलिटी है वो नीव हो गई अब उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है और ये जो लोग बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे अब मान लो बुढ़ापा नहीं आया कोई जीवन का तो प्रहलाद ने कहा था पांच साल का था ना उसने कहा कौमार आचरित प्राग्यो धर्मान भागवता निह। ये जो आध्यात्मवाद है इसका अभ्यास बाल्यावस्था से शुरू करो और आध्यात्मिक दृष्टि से यंग कौन है आत्मा तो सनातन है इसलिए हमारी एक्चुअल एज जो है हम सब के सब सनातन ही हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे संदीप सर के यहाँ पे आई थी ओ स्वानी उन्होंने उनको अपने वो कर दिया था बलफ कर दिया था एक तरीके से जो विचार आपने अपना वो कर दिया थॉटलेस चले गए थे बिल्कुल तो उस उसमें में मतलब विचार सुनने कैसे जाएं देखिए आप के लिए ट्राई करते जाएंगे और कठिन काम है है ना ये मन जो है ये गतिशील है और उसको थॉटलेस करना वो मन के स्वभाव के विपरीत इसलिए संघर्ष पड़ेगा असंभव नहीं है लेकिन संघर्ष पड़ेगा आप एक चीज़ ट्राई करें हम मन को शुद्ध करें बस इसको लक्ष्य बनाएं जब शुद्ध हो जाएगा तो खराब विचार बंद हो जाएंगे आपकी समस्या का तो समाधान हो जाएगा ना तो वो शुद्ध कैसे किया जाए आप मन को दिव्य दिशा में घुमा दें एक साइकिल चला रहे हैं अब वो साइकिल का आपने हैंडल दबाया तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा तो ऐसे ही वो थॉटलेस स्टेट लाना एक बहुत ऊंची अवस्था है और उससे आसान यह है कि आप उसको हैंडल को घुमा दो तो आप माइंड को डिवाइन डायरेक्शन में घुमा दो डिवाइन विचार लाओ तो ऑटोमेटिक वो जो खराब विचार है वो समाप्त हो जाएंगे पहले ये समझ लेते हैं थॉट क्या है थॉट इज अ वर्ड गिवन टू अ थिंग बिना बोले देर अ थॉट बट ये काम इतनी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है क्या किसी ऐसी चीज से रिलेटेड आपके मन में थॉट आ सकता है जिससे रिलेटेड कोई वर्ड ना पड़ा हो तो अगर उस वर्ड को हम देखने लग जाए तो माइंड थॉटलेस स्टेट में चला जाता है एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको डेमो देता हूं थॉटलेस स्टेट में जाना है अभी के अभी करें कोशिश करें आपको क्या करना है अपने मन में जो मैं कहूंगा बोलने के लिए वो बोलना है आंखें एक बार बंद कर दीजिए आप लोग अब अपने मन में अपने आप को आप बोलिए कि देखता हूं मैं अपने मन में अपने आप को क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं और देखना शुरू कर दो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं आप लोग बताइए कितने लोग चले गए थे थॉटलेस स्टेट में देखो आप में से बहुत सारे लोग अभी थॉटलेस स्टेट में चले गए थे यानी क्या हुआ जैसे ही आपने देखना शुरू किया कि मैं क्या बोल रहा हूं तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं अब होगा क्या मैक्सिमम बता देता हूं अभी ऊपर से थोड़ी सी आवाज आई थी तो एकदम से आपने अपने अंदर बोला होगा होगा ये ये आवाज कैसी है कहीं छत टूट तो नहीं जाएगी फिर एकदम से एक थॉट आया कितनी देर और रह गई है एक मिनट हुआ नहीं हुआ लेकिन वो भी चला गया मुझे नींद आ रही किनको नींद आ रही थी मतलब तीस सेकंड में नींद आ गई आप तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत आगे वाली स्टेज पर हो

लेकिन दूसरे ही वक्त हमें लगता नहीं हमें कुछ और चाहिए ज़िंदगी से तो वो जो एक संतुष्टि वाली एक फीलिंग होती है एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है वो कैसी लाई जाए बिकॉज दुनिया में कभी भी कुछ भी सब कुछ तो मिल नहीं सकता तो वो लेवल ऑफ कंटेंटमेंट कैसे फील की जाए बस मैं वो चीज़ पूछना चाहती हूँ सब दुख का कारण असंतोष है हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट नहीं सतु भवती दरिद्री तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र ये भर्त हरिजी महाराज ने लिखा है कि गरीब कौन है संसार में कोई अरबपति हो लेकिन इच्छा है अरे भाई एक अरब है और वो अडानी जी के पास इतने अरब है तो मेरे पास कमी है वो व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो अभाव का अनुभव कर रहा है तो समस्या यही है आप लोगों को सफलता मिली शिक्षा मिली सब कुछ मिला हमारे भारतवर्ष में अधिकांश युवा वर्ग आपकी पोजीशन में आने के लिए लालाहित रहेगा लेकिन इतना मिलने के बाद भी मन में ये है अरे भाई मुझसे आगे तो वो है तो वो ही विचार हमको दुखी करता अब इसके विपरीत हम जो ब्लेसिंग्स हैं जीवन में उनको हम याद करें भगवान ने दो आंखें दी दो हाथ दिए दो पैर दिए तो अपने हृदय को आभार से ग्रैटिट्यूड से भर लेंगे और दूसरी बात इसमें यह है कि एक साइड में असंतुष्ट होना अच्छा है आध्यात्मिक दिशा में कभी संतोष न करें अरे आज तक तो कुछ अध्ययन किया ही नहीं है और बहुत करना है इसलिए कहा संतोष त्रिशु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने तीन चीजों में संतुष्ट हो जाओ अपने पति पत्नी में वर जो गोबर गणेश मिला है अरे ठीक है <laughs> 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 अपने भोजन में अपने धन में सदा मस्त रहो और त्रिशु नव च कर्तव्य है स्वाध्याय जप दान यो अपने स्वाध्याय में अपने जप में अपने दान में कभी भी संतुष्टि मत करो अभी और बहुत करना है तो जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें साइमल्टेनियसली तृप्ति भी है और पुनः असंतुष्टि फिर तृप्ति फिर असंतुष्टि ये डायनोमिक तृप्ति होती है आप सबकी जो एज है यहां पर वो यूजुअली मेरे जो सेशंस होते हैं उससे थोड़ी सी अलग है यूजुअली एज होती है अठारह उन्नीस साल बीस साल बाईस साल यहां पर जो एज है आज एवरेज एज दैट इज अराउंड थर्टी फाइव ईयर्स तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जब आपकी एज थी 18, 19 साल 20 साल तब कितने लोगों ने ये सोचा था कि आज जिस भी लेवल पर आप हो उस लेवल पर मैं होऊंगा यानी कि आज कितने लोग ये फील करते हैं कि 18, 19 साल की एज में जो भी आप सोचते थे अपने लिए हो सकता है उस वक्त सोचते हो कि महीने का पंद्रह बीस हजार रुपए भी आ जाए तो बहुत है और आज कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो उससे बहुत ऊपर वाले लेवल पर है ऑलमोस्ट सब लेकिन क्या सेटिस्फैक्शन मिल गई है कंटेनमेंट है नहीं।, नहीं क्यों क्योंकि कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है तो इससे हमको सीख लेना है कि जब आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा क्यों क्योंकि इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है कि यहां पर कभी भी आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है मतलब ऐसा कभी नहीं होगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा और अगर होगा भी तो वो टेम्प्ररी होगा कुछ दिनों के लिए कुछ हफ्तों के लिए फिर वापस से कुछ गड़बड़ हो जाएगी जो सोचा भी नहीं होगा किसी की डेथ हो जाएगी किसी की तबीयत खराब हो जाएगी कभी कुछ कभी कुछ कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा लाइफ में तो जब ये बात समझ आ रही है तो क्या कभी भी लाइफ में ऐसी कोई स्टेज आएगी जब इस दुनिया में आप पूरी तरह से कंटेंट हो जाओगे यानी आप कहोगे मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है और वो भी परमानेंट है क्योंकि अगर वो परफेक्शन की स्टेज आती भी है तब भी बैक ऑफ द माइंड एक डर बना रहता है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए कहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो डर तो बना ही हुआ है ना तो जहां डर है वहां पे खुशी कहां है कंटेनमेंट कहां है तो जब हमें ये बात समझ आ चुकी है बारीकी से इस एज ग्रुप में तो अब हमें आगे अपना टाइम और खराब नहीं करना चाहिए जो इस दुनिया में कर रहे हैं वो करते रहना है साथ साथ में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है वेदों में क्या लिखा हुआ है इसमें हम थोड़ा सा एडिशन कर हाँ, प्लीज प्लीज ये तो आपने बहुत सुंदर बताया है कि भाई उसमें हम समझे यहां कोई तृप्ति नहीं और साथ ही साथ हम जो कुछ किए केवल आनंद के लिए किए चाहे करियर था चाहे विवाह था चाहे बच्चे थे अंतिम लक्ष्य यही था कि आनंद मिले वो आनंद की इच्छा हमारे अंदर क्यों थी वो आनंद की इच्छा आई कहाँ से किसी ने तो हमको सिखाया नहीं कि तुम बेटा तुम आनंद चाहो ऐसा ना हो कि दुख के पीछे भागने लग जाओ तो आनंद की इच्छा सबके अंदर एक जैसी है वैसे शक्ल सबकी अलग अलग है आवाज अलग अलग है लेकिन इस मात्र में हम सब एक हैं हम सबका एक नारा है आनंद चाहिए हमारा वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात वो जो ब्रह्म है वो आनंद सिंधु है उस सिंधु के तुम बिंदु हो जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंके तो नीचे आएगा ऐसा नहीं कि वो ऊपर गिर जाए वो नीचे ही गिरता है क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है पृथ्वी उसको खींच रही है तो आनंद की इच्छा हमारे अंदर हमको प्रेरित कर रही है दिव्य दिशा में कि तुमको जो सुख चाहिए वहीं पर मिलेगा जितना भी संसार मिल जाए आत्मा भीतर से कहती है अभी भी तृप्ति नहीं हुई तो वो जो तृप्ति हमको चाहिए वो तभी मिलेगी जब हमारी आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगी वेदांत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको नित्य अनित्य विवेक भी कहते हैं जहां पर कि हमको ये क्लियरली पता हो कि लाइफ में क्या नित्य है और क्या अनित्य है अनित्य मतलब टेम्प्ररी है जैसे इस दुनिया से जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है प्लेजर मिलता है खुशी मिलती है वो सब क्या है टेम्प्ररी है ये बात हमको अभी तक समझ आई है या नहीं आई है तो नित्य नित्य मतलब क्या कि इस दुनिया में कुछ है जो टेम्प्ररी है और इस दुनिया में ही यानी यहीं पर अभी यहीं पर कुछ ऐसा भी है जो कि परमानेंट है जिसको ब्रह्म कहा गया है तो अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है या ये क्वेश्चन ही उठ जाता है कि क्या कुछ परमानेंट भी है इस यूनिवर्स में या सब कुछ ही टेम्पररी है और वो जो परमानेंट है क्या वो मुझसे दूर है क्या वो मुझसे अलग है या हो सकता है वो मैं ही हूं तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे अंदर उठने लग जाते हैं जब आपकी तुम्हें तो अभी बात ही नहीं कर रहा उठने लग जाते हैं तो हमारी शुरुआत हो गई है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की जैसे संदीप जी ने बताया है ये विभिन्न उपाय हैं कर्म योग ज्ञान योग हठ योग भक्ति योग इत्यादि हम सबके विभिन्न स्वभाव हैं लेकिन लक्ष्य वो एक ही है तो उस एक लक्ष्य को अपनाना यही अध्यात्म है थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सौभाग्य रहा निमंत्रण के लिए धन्यवाद थैंक यू